उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भले अच्छे दिन आए हो या नहीं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे योगी सरकार शिवपाल यादव के ऊपर मेहरबान हो गई है। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही उन्हें आलिशान बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन अब उन्हें जेड प्लस सुरक्षा देने की भी मंजूरी दे दी गई है। शुक्रवार को शिवपाल को 6 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग स्थित मायावती का बंगला अलॉट किया गया था। इस बंगले में पहले मायावती रहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे खाली करा दिया गया था। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने शिवपाल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई मुलाकात के बाद सरकार ने शिवपाल के करीबी रिश्तेदार आईएएस अफसर अजय यादव की नियुक्ति अवधि को भी मंजूरी दे दी थी, और तभी से अफवाहों का माहौल गर्म है। जानकारों का मानना है कि योगी शिवपाल को साधने में लगे हैं ताकि 2019 में मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। कहा जा रहा है कि योगी सरकार शिवपाल पर मेहरबानी कर गठबंधन को कमजोर करने का सपना देख रही है। शिवपाल ने पहले ही प्रदेश की सभी सीटों पर सेकुलर मोर्चा के प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।